नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों जी हां दोस्तों, आपने हमारे थंबनेल पर भी अभी देखा होगा और हेडलाइंस में भी आपने देख लिया होगा कि अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। जी हां दोस्तों, पहले ये लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने एक नया अनाउंसमेंट किया है जिसमें ये डेट 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया तो उसे प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी उसे लिंक करा लीजिए। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड जो है वो रद्द हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने पैन कार्ड को रद्द होने से बचाइए और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ही अपने फ़ोन पर मात्र 2-3 मिनट के अंदर ही अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो किस तरह से आप उसे लिंक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखते रहिए ताकि आप ठीक ठीक इसे समझ सकें। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र को आप ओपन कीजिएगा। दोस्तों पैन कार्ड को अब आधार से लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। तो अपने गूगल ब्राउज़र में आपको यहाँ पर लिखना है इनकम टैक्स इंडिया। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है इनकम टैक्स इंडिया और उसे आप सर्च कर लीजिए। देखिए इनकम टैक्स इंडिया लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो पेज थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये एक पहल इधर ये दिखेगा ई फिलिंग होम पेज, इस तरह का एक लिंक नज़र आएगा आपको, जो ये इनकी साइट है। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ई फिलिंग होम पेज करके एक लिखा हुआ आएगा, आपको यहीं पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अब इनकी जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल साइट है, वो एक खुल जाएगी और यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर लेंगे। तो आप देर मत कीजिएगा और अभी इस वीडियो को देखते ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका पैन कार्ड रद्द होने से बचे। तो देखिए यहाँ पर आप अब थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ ब्लिंक करता हुआ एक दिख रहा होगा लिंक आधार, तो मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आप ठीक से देख लें। देखिए लिंक आधार का ये ऑप्शन है तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब एक फॉर्म खुलेगा जो कि बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो देखिए पहले नंबर पर हमसे पूछा जाएगा पैन नंबर, तो अपना पैन कार्ड अपने पास रखिए। दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा अपना आधार नंबर, तो अपना आधार कार्ड भी अपने पास रखिए और आधार कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम लिखा हुआ है आपको बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आप कुमार लगाते हैं या जी लगाते हैं या कुछ भी अगर बीच में, तो आपको सिर्फ इसमें बिल्कुल एज़ इट इज़ वो ही नाम लिखना है जो आपका आधार कार्ड में है। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर लिख लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स के ऊपर टच कर देना है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी भर के दिखाता हूँ और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इसको थोड़ा छुपा लूँगा ताकि इसका मिसयूज़ ना हो दोस्तों। तो आप इसी तरह से बिल्कुल ठीक भर लीजिएगा जैसे कि मैं अभी भरूँगा, पैन कार्ड, आधार नंबर और अपना आधार के ऊपर जो भी नाम है वो। तो सिर्फ ये 3 चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो आप इसको भर लीजिएगा। देखिए पहले नंबर पर मैं इसको अपना पैन नंबर लिख लेता हूँ, आप भी ठीक भर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर लिख दिया है, अब मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर भी लिख रहा हूँ, तो आप भी ठीक प्लीज़ दोस्तों इसको ठीक से ज़रूर भरिएगा क्योंकि यहाँ से अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो प्लीज़ धीरे धीरे आप इसको अगर भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी इसको देखिए आपके सामने ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, ना ही मैं इस वीडियो को काट रहा हूँ ना इसको आगे बढ़ाऊँगा, इसमें जो टाइम लगेगा आपके सामने ही लगेगा। तीसरे नंबर पर मुझे नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आपको भी वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल सेम नाम आपको वही लिखना है। अगर आप कुमार लगाते हैं कुमार, सरनेम लगाते हैं सरनेम, या जो भी आप लिखते हैं तो आपको वही यहाँ पर लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पर ये लिख देंगे उसके बाद नीचे का देखिए ऑप्शन एक आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बर्थ है, तो ठीक है इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद जो यहाँ पर हमसे इमेज पूछी गई है ये इमेज हमें भर देनी है, या आप OTP मंगा सकते हैं
ओटीपी उनके लिए जो देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो इमेज यहाँ पर नज़र आ रही है कैप्चा, तो ये हमें यहाँ पर भर देनी है बिल्कुल जैसी यहाँ पर है, तो वो मैं भर देता हूँ Q5। और बड़े अक्षर में है तो आपको बड़े अक्षर लिखने हैं, और छोटे अक्षर है तो आपको छोटे अक्षर लिखने हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों, कई लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं। तो अगर बड़े अक्षर हैं तो आपको बड़े अक्षर लिखने हैं, और छोटे अक्षर हैं तो आपको छोटे ही अक्षर यहाँ पर लिखने हैं। देखिए, अब मैंने कोड डाल दिया है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार, अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। आपको भी ऐसे ही क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर लिंक आधार पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए, आप जैसे ही लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पर देख क्या आया लिखा हुआ, ये आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आधार पैन लिंकिंग इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो मैंने अपना पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक किया है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो देखा आप कितनी आसानी से मैंने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लिया, और अब अपने पैन कार्ड को भी मैंने रद्द होने से बचा लिया। तो अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसी तरह से स्टेप फॉलो कीजिए, और बड़े ही आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लीजिए और अपने पैन कार्ड को रद्द होने से बचाइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, यहाँ लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।